नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सिर्फ एक वायरस ने दुनिया के ही समीकरण बदल दिए हैं। ध्वस्त होती अर्थव्यवस्थाएं और मित्र शत्रु की परख ने कई देशों की नजदीकियां बढ़ाई तो कई देशों को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। कल तक इस्लामी मुल्क तुर्की, जो पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और भारत के खिलाफ बोलना उसकी फितरत बन चुकी थी, आज पाकिस्तान से दूर होकर पीएम मोदी की शान में आ जाने दे रहा है। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन पिछले 1.5 माह से भारत के गीत गा रहे हैं। कल उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का मान्यता बताकर इमरान की कुर्सी के पिछले पाए हिला दिए हैं। यह वही रेसेप तैयब एर्दोगन है जो सितंबर 2019 में कश्मीर के नाम पर पतलून फाड़े जाते थे और भारत के समझाने के बाद भी शांत होने को तैयार नहीं थे, मगर आज वह एक चूहे की तरह तुर्की के किसी कोने में पड़े हैं जहां इसे पूछने वाला कोई नहीं है। एर्दोगन को सबसे ज्यादा डर अपने खिलाफ उठते विद्रोह को लेकर है, जहां 31 शहरों में कर्फ्यू का सामना कर रही जनता अब सड़क पर आने को बेताब है। ये लोग उन अपनों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव बताकर घर से उठाया है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि देश में 40,000 से ज्यादा लोग लापता है। तुर्की के अस्पतालों में भर्ती मरीजों में भी वे लोग नहीं मिल पाए हैं। इसका मतलब यह है कि तुर्की में भी चीन और पाकिस्तान की तरह मामले छिपाने का खेल बड़े स्तर पर हुआ है। 40,000 टोपीबाजों का एक झटके में लापता हो जाना यकीनन एक गंभीर मामला है। तुर्की में कोरोना वायरस उफान पर है। 14 मई सुबह तक संक्रमित मरीजों की संख्या 143,914 हो गई है, जबकि 952 पिछवाड़ा उठाऊ सदा के लिए उठ चुके हैं। भारत ने तुर्की के पड़ोसी आर्मेनिया को दवाइयों मास्क के साथ 5 टन के लगभग मदद भेजी है, जिसका काफी फायदा आर्मेनिया को मिला है। यहाँ केवल 48 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि 3,718 लोग संक्रमित हुए हैं। तुर्की कई बार भारत से मदद की गुहार लगा चुका है, परंतु सिवाय मोदी के आश्वासन के उसे कुछ भी नहीं मिल पाया है। अमेरिका ने जरूर कुछ मेडिकल सामग्री तुर्की को भेजी थी, मगर वह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई है। इस वक्त भारत में बड़े पैमाने पर N95 मास्क और PPE किटें तैयार हो रही है। भारत अब इन्हें निर्यात करने की स्थिति में आ चुका है। जानकारों की माने तो सभी तरह के मास्क का उत्पादन 10 लाख प्रतिदिन से भी ऊपर पहुंच गया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर लगभग 5 लाख PPE किटें तैयार हो रही है। तुर्की में मास्क और PPE किट की भारी कमी है। रमजान का महीना होने के चलते यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, जिसकी वजह से औसतन 5,700 केस में रोजाना इजाफा हो रहा है। रेसेप तैयब एर्दोगन की नजर अब भारत पर जाकर टिकी है, ताकि मोदी गुणगान करके कोरोना वायरस से लड़ सके, साथ ही देश में उठते विरोध के सुर को थोड़ा धीमा भी किया जाए। इससे पहले G20 की वर्चुअल बैठक के मद्देनजर भी एर्दोगन मोदी की तारीफ कर चुके हैं, पर मामला यहां तक नहीं है। कोरोना वायरस ने तुर्की और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ा दी है। विपदा के वक्त तुर्की ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, खुद पाकिस्तान ने भी तुर्की को कोई मदद नहीं भेजी, जबकि फरवरी महीने में इमरान सरकार ने चीन को 2 लाख मास्क मुफ्त भेजे थे। इसके उलट भारत ने अपने सभी मित्र देशों की खुलकर सहायता की है। भारत ने लगभग 55 देशों को अपनी तरफ से पूरी सहायता सामग्री भेजी है। खास बात यह है कि इमरान खान ने एक बार भी एर्दोगन को फोन तक नहीं किया है, जिससे तुर्की में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बन रहा है। इस माहौल को तैयार करने में उन संक्रमित पाकिस्तानियों ने भी भूमिका निभाई है जो अवैध तौर पर तुर्की में घुसे थे। अपने देश में कोरोना के प्रसार में तुर्की इन्हीं पाकिस्तानियों को जिम्मेदार मानता है। मजे की बात यह है कि पाक के टोपीबाज अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे यहां संक्रमण का जोखिम ज्यादा बढ़ गया है। तुर्की ने पिछले दिनों ही 640 से ज्यादा अवैध पाकिस्तानियों को पकड़ा है, जिसमें 152 के लगभग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तुर्की कई बार पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे चुका है कि वे अपने नागरिकों को तुर्की से जल्दी वापस निकाले, मगर इमरान खान आंखें बंद करके बैठ गए हैं, जबकि भारत इसी हफ्ते तुर्की से अपने नागरिक वापस लाया है। तुर्की ने भारत के प्रयासों की न केवल सराहना की है, बल्कि अपने नागरिकों के प्रति चिंता दिखाने पर मोदी को विश्व का मान्यता भी बताया है। तुर्की ने कहा है कि दुनिया को भारत से सीखने की आवश्यकता है। उसने पाकिस्तान को आगाह किया है कि अगर उसने तुर्की से अपने नागरिक वापस नहीं लिए तो फिर उसे उन पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुर्की द्वारा दिया गया यह बयान यकीनन इन दोनों देशों के बीच उपजे मतभेद का साफ संकेत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।